मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सुमित चौहान, आई वेलकम यू इन सनराइज एजुकेशन अकेडमी समदड़ी। तो पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था कॉर्टेक्स फंक्शन की रेंज, डोमेन और उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो कॉर्टेक्स की रेंज क्या होती है? माइनस इन्फिनी टू इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर्स। और डोमेन या फिर प्रांत क्या होती है कि रियल नंबर में से अगर पाई का एन मल्टीपल अपन हटा दें, और यहाँ पे एन क्या है, इंटीजर या फिर पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो वो होती है इसकी डोमेन। और ग्राफ इसका कैसे बनता था ये हमने समझा था। और कॉर्टेक्स जो है वो कौन से क्वाड्रेंट या फिर कौन से चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है ये भी अपन ने सीखा था कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थांश में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, फिर हमने पढ़ा था सेक एक्स के बारे में। सेक एक्स की डोमेन अपन ने निकाल ली थी और रेंज का मैंने बोला था माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, उसका ग्राफ अपन को बनाना था। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ सेक एक्स, मतलब सेक एक्स का आरेख। तो हमको पता है कि sec x को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि sec x इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन cos x। ठीक है, और cos x की जो रेंज है वो कितनी हो सकती है, मतलब cos x जो है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है, मतलब कि रेंज क्या होती है इसकी, माइनस वन से वन। मतलब नेगेटिव में तो ये माइनस वन तक जा सकता है, और पॉजिटिव में अगर बात करें तो ये के मतलब वन तक जा सकता है। ठीक है, मतलब माइनस वन से वन के बीच तक की इसकी वैल्यू होगी, इंक्लूडिंग वन एंड माइनस वन ऑल्सो। ओके, तो अगर बात करें इसके ग्राफ की तो ध्यान दो, और कॉस एक्स जो है अपन को पता है कि कौन से क्वाड्रेंट या फिर कौन से चतुर्थांश में ये पॉजिटिव होता है। तो ये कौन से चतुर्थांश में होता है, फर्स्ट और फोर्थ में ये होता है पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे लिख लेता मैं 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई एंड और सो एंड सो ऑन। ओके, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। ओके, और यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो मान लो 1 टू थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ पर यहाँ लिख लेता हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, तो देखो sec x फंक्शन जो है वो किस पे डिपेंड हो रहा है, cos x पे, मतलब 1 अपॉन cos x पे। और x जो एंगल देगा, x की जो वैल्यू होगी उस पे ही डिपेंड होगा sec x की रेंज। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा 0, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे। तो cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है 1, cos 0 1, मतलब 1 अपॉन 1 कितना हो गया, 1 ही रहेगा। मतलब 0 पे वैल्यू कितनी आई, 1, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट, मतलब ग्राफ यहाँ से बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, पिछले में कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, साइन में और कोस में, 0 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे जो है कॉस एक्स जो है वैल्यू 1 दे रहा है, तो 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 1, मतलब सेक 0 पे वैल्यू कितनी देगा, 1, तो मतलब सेक 0 पे स्टार्ट कहाँ से होगा, ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा। अब धीरे धीरे जब मैं एंगल बढ़ाऊँगा 0 से, जब मैं पाई बाई 2 की तरफ जाऊँगा, तो यहाँ पे रखो कॉस की वैल्यू जब मैं पाई बाई 2 रखूँगा, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी रखूँगा, पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 पे 0 होता है, तो 1 अपॉन 0 कितना होगा, इन्फिनिटी। तो जब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं 0 पे देख रहा हूँ तो वैल्यू 1, और 0 से जैसे जैसे मैं एंगल पाई बाई 2 की तरफ जा रहा हूँ तो वैल्यू कहाँ तक पहुँच जा रही है, 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो और हमको पता है कि कॉस एक्स जो है वो पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 पे डिफाइन है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, पहले यहाँ पे ये डॉटेड लाइन बना देंगे, क्योंकि सेक एक्स जो है वो इस कॉस एक्स पे डिपेंड है, इसलिए मैं क्या करूँगा, कॉस एक्स का यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, तो माइनस पाई बाई 2 पे भी ये डिफाइन नहीं होगा, मतलब अनंत तक पहुँच जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी तक।
नेगेटिव में तो माइनस इन्फिनाइट तक, और पॉजिटिव में कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनाइट तक। चलो अब देखना कि ग्राफ जो है वो अब कैसे बनेगा, तो ध्यान देना। अब मुझे पता है कि कॉस एक्स की वैल्यू मिनिमम तो माइनस वन जा सकती है, और मैक्सिमम कितनी जा सकती है? वन, मतलब माइनस वन से वन के बीच में ही रहेगी, ठीक है। तो जब माइनस वन से वन के बीच में रह रही है, तो सेक एक्स जो है वो क्या होगा? वो इसका इन्वर्स है ना, इसका मतलब उल्टा है। तो वन अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा? वन अपॉन माइनस वन, तो मतलब माइनस वन पर चला जाएगा। और वन अपॉन जीरो, तो अनंत भी आएगा, ठीक है। और वन अपॉन वन कितना आएगा? वन, मतलब माइनस वन, अनंत और वन, इनके बीच में कहीं रहेगी। और माइनस अनंत भी आएगा, वो कैसा आएगा मैं आपको बता देता हूँ, तो ध्यान देना। देखो सेक एक्स जो है वो क्या होता है? वन अपॉन कॉस एक्स होता है, ओके। चलो ठीक है, अब चलो यहाँ पे जीरो लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने पाई बाई टू, यहाँ पे पाई, यहाँ पे थ्री पाई बाई टू एंड सो ऑन। इधर लिख दिया मैंने माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू एंड सो ऑन, चलता रहा। यहाँ पे लिख दिया वन टू एंड सो ऑन, यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू एंड सो ऑन, ओके। अब बनाना है ग्राफ। देखो तो कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। तक मैं वैल्यू रखना स्टार्ट करूँगा तो कहाँ से रखना स्टार्ट करूँगा? जीरो से। अब यह तो है नहीं कि माइनस अनंत से मैं स्टार्ट रखना स्टार्ट कर दूँ, नहीं, तो जीरो से स्टार्ट रखूँगा। तो इसमें रखना है मेरे को, ठीक है, इसमें रखूँ या फिर इसमें रखूँ, एक ही बात है। तो इसमें रखूँ तो इसके आगे वाला, क्योंकि इसी के मैं बना रहा हूँ। अब कॉस एक्स की डिटेल मेरे को पता है, तो कॉस एक्स की डिटेल मेरे को पता है क्या है कि कॉस एक्स जो है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, या फिर फर्स्ट और फोर्थ चतुर्थांश में वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू देगा? पॉजिटिव देगा। मतलब अगर एंगल की बात करें तो जीरो से पाई बाई टू में भी ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और पाई बाई टू से पाई में ये तो नेगेटिव देगा, ठीक है, और पाई से थ्री पाई बाई टू वापस क्या देगा? ये नेगेटिव देगा। क्यों? क्योंकि जीरो से पाई बाई टू तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पाई बाई टू से पाई तक सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, पाई से थ्री पाई बाई टू तक थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और थ्री पाई बाई टू से टू पाई तक ये क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ पे। और अगर बात करें यहाँ पे तो ये क्या वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब कैसे देगा, ध्यान देना। sec x इक्वल टू है वन अपॉन cos x। अब मैं cos की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूँ, तो जीरो पे cos x क्या दे रहा है? cos जीरो इक्वल टू होता है वन। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूँगा तो sec x इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन अपॉन वन। तो वन अपॉन वन कितना हो गया? वन, मतलब sec का ग्राफ बना रहा हूँ मैं, तो जीरो पे वैल्यू कितनी दे दी इसने? वन। मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? वन से स्टार्ट होगा, ओके। अब मैं धीरे धीरे क्या करूँगा? एंगल बढ़ाऊँगा। एंगल बढ़ाऊँगा किस तरफ? पाई बाई टू पे जाऊँ। चलो मैं धीरे धीरे पाई बाई टू पे चेक करके देख लेता हूँ। बीच में अब वैल्यू मैं ऐसे बता नहीं सकता, तो पाई बाई टू के लिए अपन को पता है, ठीक है। तो sec x इक्वल टू होता है वन अपॉन cos x, और x की वैल्यू मैं अब ले रहा हूँ cos पाई बाई टू। तो जब मुझे पता है cos पाई बाई टू कितना होता है? जीरो होता है। cos पाई बाई टू कितना होता है? जीरो। मैंने बोला था cos पाई बाई टू कितना होता है? जीरो, ओके। तो cos पाई बाई टू जब जीरो है तो वन अपॉन जीरो इक्वल टू कितना होता है? इन्फिनिटी। मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं एंगल को अगर पाई बाई टू की तरफ बढ़ाऊँ तो sec x जो है वो अनडिफाइंड होते चला जा रहा है, मतलब अपरिभाषित की तरफ जा रहा है या फिर अनंत की तरफ जा रहा है। मतलब पाई बाई टू पे तो अनडिफाइंड है ही, वो तो मैं बोले था ना, पाई बाई टू का मल्टीपल अपन को लेना भी नहीं वैसे भी, तो माइनस पाई बाई टू भी नहीं आएगा, माइनस थ्री पाई बाई टू भी नहीं आएगा। तो अगर ग्राफ तो बनेगा, तो ग्राफ पे देखो वन से स्टार्ट हुआ, और पाई बाई टू में की बात करूँ तो पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी दे रहा है? ये अनंत दे रहा है। तो अनंत कहाँ होगा? ऊपर, पॉजिटिव अनंत दे रहा है। तो कहाँ जाएगा ये ग्राफ? इस तरह से ऊपर चले जाएगा। आगे मिलाना नहीं आगे, क्योंकि ये आगे थोड़ा सा अनंत तक जा रहा है ना, तो आगे कहीं ना कहीं मिलेगा। अब कहाँ मिलेगा ये अपन को पता नहीं है, ठीक है, अनंत तक जा रहा है। अब जीरो से पाई बाई टू तक की बात कर ली। अब नेगेटिव में अगर बात करें तो क्या होगा? जीरो से अब मैं नेगेटिव डायरेक्शन में अगर जाऊँ तो मुझे पता है कि देखो कॉस एक्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देगा वैल्यू, पॉजिटिव दे दी। सेकेंड क्वाड्रेंट पे ये क्या देगा? कॉस एक्स जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या देगा? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो अभी मैं इसकी बात में बाद में करूँगा। चलो जीरो से माइनस पाई बाई टू के बीच में देखते हैं।
ठीक है। अब जीरो से अगर मैं माइनस पाई बाई टू की तरफ चला जाऊँ, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सेक एक्स इक्व टू वन अपॉन कॉस माइनस पाई बाई टू की तरफ, तो क्या देगा? एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने इलेवंथ क्लास में कि कॉस ऑफ माइनस एक्स भी क्या होता है, सिंपल कॉस एक्स ही होता है, ठीक है, कि कॉस के अगर एंगल में अगर नेगेटिव आ जाए तो वैल्यू क्या देता है, वापस पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, ठीक है। चलो, तो मुझे पता है कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू क्या देगा, वन अपॉन जीरो देगा, क्या देगा, वन अपॉन जीरो ही देगा, और वन अपॉन जीरो कितना होता है, इन्फिनिटी, मतलब मैं देख रहा हूँ कि माइनस पाई बाई टू भी क्या है, ये इन्फिनिटी की तरफ ही, अब पॉजिटिव था या नेगेटिव था ये मैंने इस फॉर्मूले में पुट करके बता दिया, तो ये क्या दिख रहा है मुझे, प्लस का इन्फिनिटी दिख रहा है, तो कहाँ जाएगा ये ग्राफ इस तरह से चलते हुए वापस, ये भी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ओके, कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ। अब बात करते हैं कि पाई बाय टू से और पाई के बीच में ये क्या होगा, पाई बाय टू से और पाई के बीच में ग्राफ में क्या चेंज जाएगा, तो मुझे पता है कि पाई बाय टू से पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स जो है वो क्या होता है, वो होता है अपना नेगेटिव, मतलब ग्राफ जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ही बनेगा, पॉजिटिव में नहीं बनेगा, पाई बाय टू से पाई के बीच में अगर बात करें तो, ओके, तो ध्यान देना। तो देखो अपना जीरो से पाई बाय टू और जीरो से माइनस पाई बाय टू के बीच का ग्राफ बन गया, क्या बना था, वन से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक गया था, इनफाइनाइट तक, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में जीरो से माइनस पाई बाई टू के बीच में अगर बात की थी तब भी क्या था, ये कहाँ जा रहा था, इनफाइनाइट तक जा रहा था, ओके। अब बात करते हैं पाई बाई टू से पाई के बीच में जो है वो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्यों, क्योंकि कॉस जो है वो क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, जब कॉस नेगेटिव है तो कॉस का उल्टा भी क्या होगा, जो कि सेक एक्स होता है वो भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, जैसे वन अपॉन समथिंग नेगेटिव क्या देता है, नेगेटिव ही देगा, ओके। तो अब पाई बाय टू से पाई के बीच में अपन बात करते हैं, अब ध्यान देना, पाई बाय टू से जब पाई के बीच में आप चेक करें तो कैसे होगा, ध्यान देना, हमको पता है कि सेक एक्स क्या होता है, वन अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, जीरो से पाई बाय टू तक अपन ने देख लिया, अब बात करनी है अपन को पाई बाय टू से पाई के बीच में जो है वो क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब क्या ग्राफ में चेंजेस हो गए वो अपन को देखना है, ओके। तो जब पाई बाय टू पे अपन को पता है कि पाई बाय टू पे कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और कॉस का अपन ने ग्राफ बनाया था, इस तरह से बना था ग्राफ कि यहाँ पे था वन, यहाँ पे था माइनस वन, ठीक है, ये अपना हो रहा था यहाँ पे पाई बाई टू, ये पाई, ये माइनस थ्री पाई बाई टू, और ये टू पाई, तो कॉस पाई बाई टू पे क्या दे रहा था, ये सिंपल जीरो हो जा रहा था, और पाई बाई टू से जैसे ही आगे जा रहे थे, पाई बाई टू से अपन जैसे ही आगे जा रहे थे तो ये क्या हो रहा था, अपन को नेगेटिव वैल्यू देना स्टार्ट हो रहा था, मतलब नेगेटिव, ठीक है, और पाई पे क्या देता था, ये वापस सीधा माइनस वन वैल्यू देता था, और माइनस थ्री पाई बाई टू पे जाके ये कितना देता मेरे को, वापस जीरो वैल्यू देता, इस तरह से ये वैल्यू चलती रह रही थी, ठीक है, ओके। तो ध्यान दो, पाई बाई टू से जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा, पाई बाई टू से जैसे ही आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे मान लो मेरा ये पाई बाई टू है, ठीक है, ये वाला पाई बाई टू सेक एक्स का, ये तो है अपना कॉस एक्स का ग्राफ और ये है अपना सेक एक्स का ग्राफ। अब पाई बाई टू से जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा तो मुझे अगर कॉस की बात करूँ, वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पाई बाई टू से थोड़े से ज़्यादा एंगल लिख रहा हूँ, ठीक है, तो पाई बाई टू क्या हो रहा था, कॉस की वैल्यू क्या हो रही थी, पाई बाई टू से थोड़ी सी ज़्यादा होने पर क्या दे रहा था मेरे को, नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, क्या दे रहा था, नेगेटिव वैल्यू, और किसके पास में, जीरो के जस्ट पास में, मतलब जीरो से थोड़ी छोटी और वैल्यू, जीरो से और कम वैल्यू दे रहा था, मतलब नेगेटिव में जा रहा था, जैसे मान लो माइनस 0.001 समथिंग कुछ ऐसे कुछ दे रहा होगा, ठीक है। अब sec x की बात कर रहे हैं, क्योंकि sec x जो है cos x पे डिपेंड है, तो जब मैं x की वैल्यू पाई बाई टू से थोड़ी ज़्यादा रख रहा हूँ तो cos की जो वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है, जीरो से थोड़ी सी कम हो रही है, ठीक है, जीरो से और कम हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी जीरो से कम हो रही है मतलब नेगेटिव की तरफ जा रही है, और वन अपॉन जीरो से कुछ समथिंग कम वैल्यू, जैसे 0.00 और नेगेटिव में आ रही है, वन ले ली, चलो मान लो मैंने, ठीक है, तो कॉस की वैल्यू पाई बाई टू से आगे वाले, थोड़े से आगे वाले एंगल पे, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू देखने को क्या मिल रही है, कहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, पहुँचने की कोशिश कर रही है नेगेटिव इन्फाइनाइट की तरफ,
मतलब क्या होगा कि पाई बाय टू से, मतलब इसके पास में होगी, ठीक है, इन्फाइनाइट तो पाई बाय टू पे होगी, लेकिन पाई बाय टू से जस्ट मैं आगे जा रहा हूँ तो वैल्यू कहाँ पे पहुँच रही है, माइनस इन्फाइनाइट तक चली जा रही, सीधी पाई बाय टू सीधे अनंत से कहाँ चली जा रही, सीधी माइनस इन्फाइनाइट की तरफ। माइनस इन्फाइनाइट तो कितना भी हो सकता है, उससे थोड़ा कुछ कम तो उसको भी मैं इन्फाइनाइट ही बोलूँगा। ओके, तो ग्राफ जो है अब यहाँ से यहाँ तक तो बन गया था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, अनडिफाइंड दे दिया था मैंने, इसको मैं क्या बोल दिया था, अनडिफाइंड, ठीक है। अब बात करते हैं पाई बाय टू से, जब मैं पाई तब जाऊँगा तो पाई बाय टू से थोड़े से आगे देने पर वैल्यू कितनी जा रही है, अनंत तक जा रही है, चलो ठीक है अनंत तक। और पाई पे अगर मैं चेक करूँ, इस पाई बाय टू से थोड़ा आगे मेरे को पता चल गया कि अनंत से स्टार्ट होगा, अब पाई तक मैं जाऊँ तब क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो मुझे पता है कि वन अपॉन कॉस पाई, वन अपॉन कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई होता है माइनस वन, तो वन अपॉन माइनस वन कितना दे देगा मेरे को, माइनस वन दे देगा। मतलब क्या होगा कि पाई बाय टू से जब पाई तब वैल्यू मैं डालूंगा एंगल की, सेक एक्स में एक्स की वैल्यू जब मैं पाई बाय टू से पाई के बीच डालता हूँ, तो कॉस एक्स फंक्शन के कारण क्या हो जाएगा, इसका प्रतिलोम हो जाएगा, वन अपॉन इन्वर्स हो जाएगा ना, इसका इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा, मतलब पाई बाय टू से कुछ एंगल पे अनंत वैल्यू देगा, और जैसे ही क्या बोलते हैं, जैसे ही पाई आ जाएगा ये कितनी वैल्यू देने लग जाएगा, माइनस वन, जो कि कितनी हो जाएगी ये, मतलब पाई पे कितनी देगा ये, माइनस वन, मतलब ग्राफ इस तरह से यूँ आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब पाई से जब मैं आगे बढ़ूँगा, और देख लो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने बोला था कॉस एक्स नेगेटिव होता है तो सेक एक्स भी नेगेटिव होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो कॉस सेक एक्स पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक एक्स क्या है, नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या है, सेक एक्स नेगेटिव होगा, ठीक है। अब कैसे होगा, तो पाई बाय टू से पाई की अपन ने बात कर ली, तो जब हम पाई बाय टू से कुछ एंगल आगे गए तो मुझे वैल्यू कितनी दे दी, माइनस इन्फिनिटी के कुछ पास में, ठीक है, मैं माइनस इन्फिनिटी ही बोल सकता हूँ। और पाई पे जब मैंने चेक किया, वन अपॉन कॉस पाई करके चेक किया, तो वो कितनी वैल्यू दे रहा था, माइनस वन, मतलब यहाँ पे ये ग्राफ जो है यहाँ से कहीं यहाँ पे आके रुक जाएगा, मतलब माइनस अनंत से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब पाई बाय टू से पाई तक का मैंने ग्राफ का वेरिएशन देख लिया, क्या हो रहा है, जीरो से पाई बाय टू तक इधर जा रहा था, पाई बाय टू से कुछ आगे मैंने चेक करके बता दिया कितनी वैल्यू चली जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक, क्यों, क्योंकि पाई बाय टू से थोड़ा और आगे जाऊँगा तो कॉस का जो ग्राफ है वो नेगेटिव की तरफ जाता है, और वन अपॉन नेगेटिव समथिंग क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और जीरो से कम ले रहा हूँ वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी, और पाई पे जब मैंने चेक किया तो पाई पे वैल्यू हो रही है माइनस वन, मतलब माइनस अनंत से कहीं आ रहा है और रुक कर आ रहा है पाई पे। अब पाई से थ्री पाई बाय टू पे अपन देखते हैं, पाई से थ्री पाई बाय टू, तो ये भी पता है अपन को, क्योंकि हमको पता है पाई बाय टू पे क्या होता है, अनडिफाइंड, थ्री पाई बाय टू पे भी क्या होगा, सेक एक्स क्या होगा, अनडिफाइंड, मतलब अनंत या फिर माइनस अनंत से कहीं आएगा, कहीं से आएगा, अब प्लस से आ रहा है माइनस से आ रहा है वो अपन कैसे देखते हैं। अब ध्यान दो, पाई से थ्री पाई बाय टू ये है कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है, तो पाई से थ्री पाई बाय टू में अगर बात करें, ग्राफ से पता चल जाता है कि पाई से थ्री पाई बाय टू में कॉस एक्स की वैल्यू कहाँ क्या दे रहा है मेरे को, नेगेटिव दे रहा है, मुझे पता चल गया नेगेटिव दे रहा है, मतलब पाई से थ्री पाई बाय टू तक अगर मैं जाऊँगा तो क्या होगा, कॉस एक्स जो है माइनस वन से कहाँ जाने की कोशिश करेगा, जीरो तक जाने की कोशिश कर रहा है, पाई से अगर थ्री पाई बाय टू पर जाने की कोशिश करूँगा तो कॉस एक्स जो है वो माइनस वन से जीरो पर जाने की कोशिश करेगा। ओके, तो ध्यान दो, कॉस एक्स जब माइनस वन से जीरो की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो मुझे पता है कि सेक एक्स जो है वो कैसे जाएगा, वन अपॉन माइनस वन से कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, वन अपॉन जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, वन अपॉन, ठीक है, वन अपॉन माइनस वन से लेके वन अपॉन जीरो तक जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं थ्री पाई बाय टू एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं पाई से तो स्टार्ट एग्जैक्ट पाई से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ तक जा रहा हूँ, थ्री पाई बाय टू के बीच तक का ग्राफ का वेरिएशन क्या होगा वो देखूँगा, मुझे थ्री पाई बाय टू पर तो मुझे पता है कि कॉस एक्स कितना हो जाएगा, जीरो, थ्री पाई बाय टू पर तो कॉस एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूँ कॉस एक्स की, ध्यान दो, तो कॉस एक्स क्या हो रहा है कि पाई से थ्री पाई बाय टू में क्या है, नेगेटिव है, पाई से थ्री पाई बाय टू में क्या है, नेगेटिव है। तो अगर मैं बात करूँगा इसकी वैल्यू की, तो ग्राफ, इसका ग्राफ भी क्या होगा, माइनस वन से लेके नेगेटिव में चलता रहेगा, नेगेटिव में चलता रहेगा, और जाएगा कहाँ तक, नेगेटिव, इसके बीच, मतलब
पाई से 3π/2 तक ग्राफ क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है, नेगेटिव ही रहेगा। तो जब नेगेटिव रह रहा है, यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट जीरो नहीं लिखना है, यहाँ पे 0.001, वो भी माइनस में, ठीक है, माइनस वन से जीरो के पास की वैल्यू, तो पास की वैल्यू जीरो से और कम है, तो जीरो से जब कम है तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो नेगेटिव में चला गया तो वन अपॉन समथिंग नेगेटिव क्या होगा, इनफाइनाइट, वो भी कौन सा, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो ध्यान देना, तो पाई पे तो कितना था, माइनस वन, ये रहा स्टार्ट का, और कहाँ से होगा, माइनस वन से होगा। और 3π/2 के बीच की अगर बात करूँ तो 3π/2 पे एक का पे पहुँच जाएगा, मतलब इन्फाइनाइट तक जाएगा, और कौन सा इन्फाइनाइट, नेगेटिव इन्फाइनाइट, क्यों, क्योंकि पाई से 3π/2 में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और वन अपॉन समथिंग नेगेटिव क्या देगा, वापस नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये मुझे क्या दे देगा, मतलब माइनस इन्फाइनाइट की तरफ ये मूव करेगा, ठीक है। तो 3π/2 पे ये क्या वैल्यू देगा मेरे को, माइनस अनंत देगा, 3π/2 पे ये कितनी वैल्यू देगा मेरे को, माइनस इन्फाइनाइट तक जाने की ये कोशिश करेगा, ओके। सिमिलरली अगर इसमें बात करें तो -π/2 से अगर माइनस पाई तक जाऊं तो -π/2 मतलब अनंत तक तो ये पहुंच चुका है, और -π/2 से थोड़ा सा आगे, -π/2 से अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो क्या होगा, और मुझे पता है माइनस पाई पे वैल्यू कितनी देगा, ये वन देगा, माइनस पाई पे वैल्यू कितनी देगा, वन देगा, वो भी कौन सी, माइनस वन, ओके। कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस वन, मतलब माइनस पाई पे ये वैल्यू माइनस वन देगा। अब मुझे चेक करना है -π/2 और माइनस पाई के बीच में ग्राफ का वेरिएशन क्या है, मतलब -π/2 से थोड़ा सा आगे जाने पर मुझे ये वैल्यू क्या देगा। तो देखो कॉस एक्स का ग्राफ देखो, -π/2 से थोड़ा सा आगे जाने पर ये क्या वैल्यू दे रहा है मेरे को, नेगेटिव वैल्यू देने लग रहा है, ठीक है। और -π/2 पे कॉस एक्स क्या होता है, जीरो होता है, और जब -π/2 से थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा तो ये जीरो से भी कम वैल्यू देने लग जाएगा। देखो नेगेटिव में देने लग रहा है, -π/2 पे जीरो है, और जैसे मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और एंगल आगे जब मैंने लेना स्टार्ट किया तो ये वैल्यू क्या देने लग गया मेरे को, नेगेटिव में देने लग गया, मतलब -0. कुछ होगा, ठीक है। तो क्या दे रहा है, नेगेटिव में वैल्यू दे रहा है, और मुझे किसके लिए चेक करना है, सेक एक्स के लिए। तो वन अपॉन नेगेटिव में 0. कुछ क्या होता है, मतलब माइनस इन्फाइनाइट के करीब कुछ वैल्यू होती है। तो क्या होगा कि -π/2 से जब मैं थोड़ा सा आगे देखूंगा तो मुझे माइनस अनंत तक दिखेगा कुछ वैल्यू, और पाई पे मुझे पता है कि कॉस पाई जो है वो, कॉस माइनस पाई जो है वो कितना होता है, माइनस वन, कॉस माइनस पाई जो है वो कितना होता है, माइनस वन, कॉस पाई माइनस वन कैसा होता है, जैसे मैंने बताया था ना कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, सिंपल कॉस एक्स ही रहता है। तो कॉस ऑफ माइनस पाई क्या हो जाएगा, सिंपल कॉस पाई, और कॉस पाई क्या देता है मेरे को, माइनस वन देता है। तो क्या होगा, नेगेटिव इन्फाइनाइट से माइनस वन पे बीच पे आके ये रुक जाएगा। तो ग्राफ देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राफ क्या होगा, -π/2 से क्या होगा, नेगेटिव इन्फाइनाइट से आएगा कहीं से, ठीक है, नेगेटिव इन्फाइनाइट से आएगा, और कहाँ पे रुकेगा, माइनस पाई पे रुक जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर रुक गया। अब माइनस पाई से 3π/2 में देखो, तो माइनस पाई और 3π/2 में जब देख रहा हूँ तो ग्राफ क्या हो रहा है, माइनस वन से कहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा है, जीरो पर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि -3π/2 पे कॉस एक्स क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो माइनस वन से जीरो पे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो हुआ नहीं है, ठीक है। तो माइनस वन से अगर मैं जीरो के बीच की वैल्यू अगर डालूँ तो क्या डालूँगा, नेगेटिव वैल्यू डालूँगा। तो क्या डालूँगा, देखो सेक एक्स अगर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ वन अपॉन माइनस वन से जीरो के बीच की वैल्यू अगर मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या ग्राफ क्या देगा, ये कहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ जाने की कोशिश करेगा माइनस अनंत की तरफ। क्यों, क्योंकि माइनस वन से थोड़ी और वैल्यू पे देखो क्या हो रहा है, थोड़ा कम नंबर, थोड़ा सा कम नंबर, माइनस वन से थोड़ा छोटा नंबर, जैसे मान लो -0.98 ले लिया चलो मैंने, ठीक है, तो -0.98, ठीक है, क्या होगा समथिंग वन के करीब, मतलब क्या होगा, अनंत से कहीं आ रहा होगा, वन अपॉन -0.98 मतलब अनंत से थोड़ा सा दूर है, ठीक है। और जैसे जैसे मान लो -3π/2 पे जब आ जाएगा तो -3π/2 मतलब जीरो के जस्ट नज़दीक आ गया, जीरो के नज़दीक आ गया, लेकिन जीरो नहीं हुआ है, तो मतलब नेगेटिव में चल रही वैल्यू, वैल्यू क्या चल रही है, नेगेटिव में ही चल रही। देखो ग्राफ कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो -0.0001 समथिंग मान लो ऐसे कुछ पहुँच गया होगा, तो 1 अपॉन -0.0001 समथिंग क्या होता है,
क्या होता है, ठीक है, एग्जैक्टली जीरो के नज़दीक नहीं, माइनस अनंत तक पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस अनंत तक पहुंच जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली माइनस इन्फिनिट नहीं लेकिन माइनस इन्फिनिट के बीच की वैल्यू हो जाएगी इस। तो ग्राफ इसका कैसे जाएगा, माइनस वन से, अगर माइनस थ्री पाई बाई टू में जा रहा हूँ तो कॉस एक्स की बात की थी मैंने, अब सेक एक्स जो है वो वन अपॉन समथिंग होगा, तो माइनस वन से कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, इन्फाइनाइट की तरफ। ओके, तो हमने ग्राफ से भी पता लगा लिया कि सेक एक्स जो है वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होगा। ओके, चलो तो देखो, जीरो से पाई बाय टू में सेक एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पाई बाय टू से पाई में सेक एक्स क्या होगा, नेगेटिव रहेगा, पाई से थ्री पाई बाय टू में सेक एक्स क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो वापस ये कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव चला जाएगा। इस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हो, अगर आगे आप बनाओगे तो मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइव पाई बाय टू, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ऊपर ग्राफ बनाएगा। क्यों, क्योंकि टू पाई पे कॉस टू पाई कितना होता है, जीरो, कॉस टू पाई कितना होता है, जीरो नहीं होता है, कॉस टू पाई होता है वन, ठीक है, कॉस टू पाई वन, और वन पे मतलब वैल्यू यहाँ से कहीं स्टार्ट होगी, कॉस टू पाई पे वन से स्टार्ट होगी, और वन अपॉन सेक एक्स की बात कर रहा हूँ तो वन अपॉन वन क्या होता है, वन ही रहेगा, तो ग्राफ यहाँ से कहीं स्टार्ट होगा, सिमिलर ये वाली कंडीशन बनेगी, तो ग्राफ इस तरह से यूँ ऊपर चला जाएगा, इधर भी ये क्या होगा, इस तरह से ऊपर चला जाएगा, इस तरह से ये पैटर्न फॉलो करेगा, मतलब माइनस पाई बाय टू से पाई में इस तरह से, फिर पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू में नेगेटिव की तरफ जाएगा, थ्री पाई बाय टू से फाइव पाई बाय टू में वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली देखो ये कॉस का ही उल्टा क्या है ना, तो अगर मैं इस ग्राफ को अगर यहाँ पे मोड़ दूँ तो इस तरह से ये कुछ बनेगा, ठीक है, मतलब इस तरह से ये डॉटेड लाइन कुछ बना के बता देता हूँ कि इस तरह से ये कुछ बनेगा, ठीक है, और अगर इस ग्राफ को वापस उल्टा मोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा, इस तरह से ये कुछ बनेगा, ठीक है, और इसको मैं वापस उल्टा ले लूँ, इधर मुँह कर दूँ इसका, तो किस तरह से बनेगा यूँ। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्या है, कॉस एक्स का क्या है, उल्टा हो रहा है, मतलब कॉस एक्स जैसे बन रहा है उसका उल्टा पार्ट बन रहा है, ठीक है, कॉस एक्स ही बन रहा था ना, इस तरह से यूँ जा रहा था वन से फिर जीरो फिर वापस वन से जीरो फिर वापस माइनस वन फिर जीरो फिर वन फिर जीरो फिर वापस माइनस वन, इस तरह से पैटर्न चल रहा था। तो बेसिकली क्या हुआ है कि इस तरह से माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू की जो था ग्राफ वो उल्टा कर दिया अपन ने, थ्री पाई बाय टू से फाइव बाय टू में भी क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है, इस तरह से अपना ग्राफ बन जाएगा। तो अगर बात करें इसकी रेंज की, sec x की रेंज की, तो देखो यहाँ पे sec x जो है वो हाईएस्ट वैल्यू कितनी गेन कर रहा है, हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक, ठीक है, अनंत तक जा रहा है, और अनंत तक जा रहा है, उसके बाद लोएस्ट कहाँ तक जा रहा है, लोएस्ट जा रहा है माइनस इन्फानाइट तक। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि इसकी भी रेंज है वो रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या होगी, क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में जो है ये कुछ वैल्यू छोड़ रहा है, क्या छोड़ रहा है, जैसे माइनस पाई बाय टू से अगर जीरो तक की बात करें, माइनस पाई बाय टू से जीरो तक की इसने वैल्यू कुछ दी ही नहीं, कुछ दी क्या, नहीं दी, और जीरो से अगर पाई बाय टू के बीच की बात करें तो इसने कुछ वैल्यू दी क्या, नहीं दी, मतलब वन, मतलब क्या हो जाएगी इसकी रेंज, इन्फिनिटी से वन, और नेगेटिव अगर बात करें तो नेगेटिव इन्फिनिटी से माइनस वन। तो अगर मैं रेंज बात करूं, रेंज की बात करूं, तो सेक एक्स की रेंज या फिर परिसर तो क्या हो जाएगी, माइनस अनंत से माइनस वन, ठीक है, इसको अपन को ओपन इंटरवल में लेना है, और ये फिर यूनियन करना पड़ेगा, क्यों यूनियन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू मेरे को चाहिए, बीच की वैल्यू मैं ले ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि बीच में मेरे को वैल्यू मिल नहीं रही है, जीरो से वन के बीच में वैल्यू मिल रही है क्या, नहीं मिल रही, जीरो से माइनस वन के बीच में वैल्यू मिल रही है क्या, नहीं मिल रही, ठीक है, तो इस वैल्यू को मेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो क्या क्या मेरे को ऐड करनी, मतलब इन्फाइनाइट से वन तक और माइनस वन से इन्फाइनाइट तक की वैल्यू को मैंने ले लिया, तो मैंने लगा दिया यूनियन, ठीक है, फिर वन से इन्फानाइट तक, ये हो गया मैंने यूनियन, मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी सेक एक्स की, कि माइनस इन्फिनिट से माइनस वन और यूनियन करके वन टू इन्फिनिटी। ओके,
तो आज पूरी क्लास जो है ये अपना एक सेक एक्स समझने में ही लग गई, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी था सेक एक्स का ग्राफ। ये आपके कंपटीशन में भी बहुत काम आएगा आगे, अगर आप आफ्टर ट्वेल्थ कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो रीजनिंग में या फिर जो अपनी एडवांस मैथमेटिक्स होती है उसमें ग्राफिकल बेस बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो अगर कंपटीशन में आपको अगर ग्राफ समझ में आया होगा तो अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ग्राफ बता दिया था कि आफ्टर ट्वेल्थ आप कंपटीशन प्रिपेयर भी अच्छे से कर सको। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अपना एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा है जो कि है कॉसेक एक्स, ठीक है, वो अपन को कर लेंगे। ओके, इसमें टाइम ज़्यादा क्यों लग गया, क्योंकि ये थोड़ा इन्वर्स वाला कंसेप्ट आ गया था तो उसमें समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, तो कॉसेक्स में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। ओके, और रिवीजन करते रहना, और अगर डाउट अगर हो तो किसी भी चीज़ में बेझिझक आप कभी भी डाउट क्लास में आके पूछ सकते हो। ओके, और रिवीजन करते रहना। थैंक यू।